क्या प्लान है आप है इक्वल है सभी के लिए देखो चाहिए थे इनको और वाले क्या क्या ये अपनी लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 पर आ गए बल्कि जो चीज पढ़ी बिल्कुल बेसिकली थी प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल ये परसेंटेज ये और अब चैप्टर 2 पे मैंने आपको बेसिक दे दी थी अबाउट दी केसेस और आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि लेवल 2 फॉर दी अजम्पशन इन दी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्री इन ये इन द टेंपरेचर देयर इज एक्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैसेस और एक ये के दैट इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेगलिजिबल ये दोनों अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस सही है एंड अंडर अदर सर्कमस्टेंसेस जो तय हो गई थी बात A at high temperature and low pressure. Gases show ideal decay. कि जब आप टेंपरेचर भी हाई रखते हैं प्रेशर भी लो रखते हैं तो टेक्निकली गैसेस लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है लार्ज वॉल्यूम में दो बातें होती हैं एक उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं दूर होने की वजह से क्या होता है कि प्रैक्टिकली दे हैव अ लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम वो फोर्सेस इफेक्टिव हो जाते हैं इसलिए गैसेस बिल्कुल वैसा बिहेव करती है जैसा हम समझ रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट नो फोर्स नंबर 1 जो फोर्स उनके दरमियान है जैसे आपने कहा कि फोर्स का नाम है मॉलिक्यूलर मास वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास तो अब हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस जिनके मॉलिक्यूलर मास 2 और 4 है वो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस आइडियल बिहेवियर के बहुत ही करीब होते हैं क्यों क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर मास इतने कम है कि उनके दरमियान जो फोर्सेस है वो वाकई नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल वाला है लेकिन बहरहाल वो भी नॉन आइडियल बिहेवियर को बहुत दिखाता है तो दूसरी बात जब आप लो वॉल्यूम लो प्रेशर देते हैं और गैसेस लार्ज वॉल्यूम पर होती हैं तो फिर क्या होता है एक गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो वॉल्यूम इतना कम होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम कि हम उसे नेग्लिजिबल ठीक है ना ये दोनों बातें जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में थी इट विल वर्क अंडर दिस कंडीशन लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं टेंपरेचर कम करना शुरू करूं और प्रेशर बढ़ाना शुरू करूं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे स्लो हो जाएंगे तो फिर वो जो वीक फोर्सेस हैं उन्हें डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे और उनका बिहेवियर आइडियल बिहेवियर से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा जब गैसेस लो वॉल्यूम में रखेंगे तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे अगर मेरे साथ ये एक कंटेनर गैस का और इसमें नॉट ये बड़ा कंटेनर है इसमें गैस के मॉलिक्यूल मैंने ऐसे करके दिखाया ये नुक्ते जितनी जगह घिर रहे हैं पूरे कंटेनर के मुकाबले में उतनी कोई अहमियत इतनी खाली जगह है बीच में कि हम कहते हैं कि कंटेनर मॉलिक्यूल का ये एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है कुछ भी नहीं छोड़ मारो ओके यहां पे ऐसे वॉल्यूम इस कंटेनर को मैंने वॉल्यूम के एतबार से हाथ लगा दिया मॉलिक्यूल तो वही है स्टिल आई थिंक ये एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है हाथ लगा दिया इससे द मॉलिक्यूल का थोड़ा सा लग रहा है कि एडजस्टेड अब ये फीलिंग ये आई कि आपने तो ये कह दिया ना मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम ही नहीं है इसका मतलब क्या हुआ 100% वॉल्यूम कंप्रेसिबल
रीजन 100% नहीं होगा, बहुत सारे एंड आई सी द मॉलिक्यूल्स आर फेयरली वेरी क्लोज ऑल द वे एंड फाइनली वी चेक के जब आप इस वॉल्यूम पे पहुंच गए तो अब इसमें खाली जगह था ना और ऑलमोस्ट सिर्फ मेरे मॉलिक्यूल रह गए मेरी और दो पे तो ये जो आगे पे बच गया बहुत थोड़ा सा है ये है इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है जो गैस के मॉलिक्यूल का अपना है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस खत्म इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आप प्रेशर लेकर कम कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल को थोड़ी खत्म कर सकते हैं क्या आपका मॉलिक्यूल काली वजह से खत्म हो गया नो तो इसका मतलब ये है कि अब हमने कहा आइए हम ड्राइव करते हैं वॉटर वॉल्स इक्वेशन वॉटर वॉल्स इक्वेशन है दरअसल जनरल गैस इक्वेशन और नॉन आइडियल इक्वेशन और नॉन आइडियल गैस तो क्या था आपका आइडियल गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन की पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हमने कहा इसमें मौजूद दो टर्म्स करेक्ट की जाएंगे आपने जो वॉल्यूम लिया था जनरल गैस इक्वेशन के अंदर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक वो वॉल्यूम ये सोच के लिया था कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कुछ नहीं है सो गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 100% कंप्रेसिबल यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाए तो एक स्टेज ऐसा आएगा वॉल्यूम जीरो हो जाएगा ऐसे नहीं होगा आपका कंप्रेसिबल वॉल्यूम वो है जो उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स हैं जो मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम है बेशक वो बहुत थोड़ा है मगर वो कंप्रेस है तो इस थोड़े से वॉल्यूम को हमने कह दिया डी इसका नाम कांस्टेंट डी रख दिया दिस इज इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम तो अब हम वॉल्यूम करेक्शन करते हैं इसमें और हमने कहा कि इस V की जगह कौन सा वॉल्यूम आना चाहिए जो कंप्रेसिबल है 100% वॉल्यूम कंप्रेसिबल नहीं है आप टोटल वॉल्यूम में से वो फैक्टर इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम माइनस कीजिए जो बचेगा वो खाली जगह है जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है वो कंप्रेसिबल है सो आपने कहा टोटल वॉल्यूम V इनकंप्रेसिबल पार्ट यानी कंप्रेसिबल वॉल्यूम corrected volume V minus और ये for one mole तो for n number of moles ये है for one mole और for n number of moles ये जाएगा V minus अब आते हैं प्रेशर करेक्शन प्रेशर करेक्शन का लॉजिक ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में हमारा ख्याल था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते सो ये तैयार ही ना कंटेनर Since the molecules are not disturbing each other or attracting each other, so एक molecule अगर दीवार की तरफ जा रहा है, तो रास्ते में ये जो दो molecules हैं, ये उसे बिल्कुल भी disturb नहीं कर रहे, ठीक है ना? ये बिल्कुल जा रहा है सीधा दीवार पे बैठ। Actual कहानी ये है कि नहीं molecules try to attract each other with a very negative force. तो होगा क्या? When this molecule is going towards the wall, रास्ते में जो दो molecule हैं, ये हो सकता है इसे attract करके दीवार तक जाने से रोक दें, अपने पास बुला लें, और अगर बुला नहीं सकते तो slow तो कर देंगे। इसका मतलब है आप जो expect कर रहे हैं ना unit time कितनी दफा molecule दीवारों से टकराएंगे, practically वो उतनी दफा टकरा नहीं पाते, क्योंकि जब वो within the molecule घूमते हैं तो हर molecule दूसरे को disturb कर रहा है। इसका मतलब है जो observed pressure है वो उस प्रेशर से कम है जो हमारी जनरल गैस इक्वेशन में है ठीक है सो हमने कहा जो जनरल गैस इक्वेशन में प्रेशर आ रहा है और
इन्फेक्शन में आप फैक्टर ऐड करेंगे डिग्रीज इन्फेक्शन, यानी जो प्रेशर इस फैक्टर की वजह से कम हो गया है उस कमी को ऑब्जर्व प्रेशर में ऐड करेंगे तो एक्चुअल प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो जनरल गैस इक्वेशन में इसको आप कहें आइडियल प्रेशर, ये ऑब्जर्व प्रेशर और ये प्रेशर करेक्शन। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि जो प्रेशर करेक्शन है ये किसके बराबर है, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि ये बराबर है इस बात के कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल भरेंगे और दूसरे के करीब करीब होंगे तो उतने ज्यादा चांसेस हैं कि एक दूसरे को डिस्टर्ब करें। तो हमने इसका हिसाब लगाया कि डिक्रीज इन प्रेशर और करेक्शन इन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस पाई ऑफ, और यहां पर भी जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो ए है। दिस इज फॉर वन मोल एंड फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स इट इज से प्रेशर जो है आइडियल प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्जर्व प्रेशर प्लस एन स्क्वायर अपॉन। अब ये प्रेशर का करेक्शन है, ये वॉल्यूम का करेक्शन है, दोनों यहां पुट कर दें तो वाटर वॉल इक्वेशन ये बन गई। पी की जगह पी ऑब्जर्व को हम पी भी लिख सकते हैं और पी ऑब्जर्व पी प्लस n square over v square v minus n v equals to n r। और अगर यही कोई कहते हैं for one mole ये होगा p observe plus a upon v square v minus v equals to r। वैसे बात है आप एमसीक्यूज पे है, ये टॉपिक सीरीज से ही आपने कभी नहीं पढ़ा, ये हमने फर्स्ट ईयर ज्यादा समझदार लोगों के एबीसी के बच्चे देर होंगे रहता ऐसा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस बात का सबूत है कि जो लोग आज बैठे हैं सिलेबस डिजाइन करने में वो आपकी की तरह और मेरी तरह रंगोली निकलते हैं। मैं अकल दान की कुछ चीज नहीं, दुनिया ये बात मान रही है कि 80s में जब हम पढ़ते थे हमारा मेंटल आईक्यू आप लोगों से बहुत कम है। ये जो आईक्यू डेवलपमेंट है इसका ताल्लुक कुछ एक्सपोजर से होता है जो बच्चा अपनी एज में अपने आसपास के माहौल से लेता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं स्कूल में था तो हमारी क्लास में एक बच्चा हॉन्गकॉन्ग से आया था, उसकी घड़ी में कैलकुलेटर और वो हमारे लिए ऐसा सरप्राइजिंग इशू था जिसको पता नहीं क्या चीज लेके क्लास में आया था। कैलकुलेटर वाज नॉट अ कॉमन डिवाइस एट दैट टाइम। क्या एक्सपोजर हमारी ये स्किल बेहतर हो गई क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता था, हम जबानी कैलकुलेशन करते थे तो यस हमारे टेबल हमारी कोई मैथ आपसे अच्छी है, लेकिन हमारा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था जो आपका नहीं, इससे आईक्यू बढ़ती है तो आपकी आईक्यू बहुत बेहतर है, तो फिर आपका सिलेबस को हमारे सिलेबस से ज्यादा होना चाहिए ना, वो कम कर दिया टॉपिक आप पढ़ते ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा इतनी चीज मैंने आई नहीं थी सब समझ नहीं आई थी बहुत आगे हम मेरा निकम्मा पड़ा है, लेकिन ये हमारे फैकल्टी सिलेबस जो हमारे बोर्ड ने 90s में आके खत्म कर दी लेकिन बाकी सब तो मौजूद है। तो आखान बोर्ड तो अब इंटर का भी है फेडरल ही था तो उसके सिलेबस में भी है, फेडरल बोर्ड के सिलेबस में भी है, बेसिकली तो आखान वाले फेडरल बोर्ड को ही फॉलो करते हैं कुछ चेंजेस। तो ये एक टॉपिक ये हो गया गैस, मेरा आपसे तो जो सवाल बन सकता है वो यही बन सकता है कि वो वाटर वॉल इक्वेशन के बारे में पूछकर चार ऑप्शंस देंगे, तो चार ऑप्शंस में वो एक ही इक्वेशन लिखने के और बाकी तीन गलत लिखने के, तो आप पहचान लें इक्वेशन।
वो अगर वॉल्यूम करेक्शन पूछेंगे तो वो v माइनस np की जगह v प्लस np लिख देंगे या कोई और अंदाज से v डिवाइडेड बाय p लिख देंगे। तो आप अगर पढ़े हुए होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं यार इसका फॉर्मूला बस ये है। इसके बाद गैसेस का हिस्सा ठीक है लिक्विड्स और कुछ कोई ये तो हमारा है विद लिटिल एडिशंस। वो एडिशंस क्या है जो चीजें हम और इधर कॉमन में तो है वो क्या है आपको ये मेरे आगे में कुछ भी लगा देता हूँ। लिक्विड के सेक्शन में हम तीन टर्म्स पढ़ते हैं विस्कोसिटी सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर। जो ये एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वो ये है कि हम बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लिफ्ट नहीं कराते। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को प्रॉपर टॉपिक के तौर पर अपने से स्कैटर्ड वॉटर वॉल फोर्स का टॉपिक नाइन्थ में कहीं पढ़ा है उसके बाद कभी तस्करा ही नहीं आया उसका और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम चैप्टर फोर में। तो मैं उसे यही समराइज कर देता हूँ आसानी हो जाएगी आपके लिए। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में बुनियादी तौर पर दो हैं। एक कहलाती है वॉल्स फोर्सेस और एक कहलाती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड by nucleus in atoms of other molecule. एक molecule के atom के electron दूसरे molecule के atom के nucleus से attract होते हैं। Very weak, very weak increases when मॉलिक्यूलर मास जैसे मैंने अभी कहा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है इसका मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर एटम और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे या उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे तो वो उतना ज्यादा अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। सो जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कम है उनकी वॉटर वॉल फोर्स बहुत कम होती है और जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उनकी वॉटर वॉल फोर्स ज्यादा होती है। ओवरऑल ये वॉटर वॉल उस बाकी सारी फोर्सेस के मुकाबले में सबसे वीक है सबसे वीक है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किससे कुछ बेहतर है अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली नेगेटिव पोल ऑफ वन डायपोल एंड partially positive pole of other dipole। तो पहली बार dipole क्या है जब दो atom आपस में मिलकर covalent bond बनाए और उनकी electronegativity same ना हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो पार्शियली नेगेटिव हो जाता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है। इस तरह एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल होते हैं। तो चूंकि इसमें दो पोल होते हैं इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल को डायपोल कहते हैं। सो डायपोल इज अ पोलर वेयर वन एटम इज पार्शियली नेगेटिव एंड अदर एटम इज पार्शियली। अब ये डायपोल मॉलिक्यूल अपने पोल्स की वजह से अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करेगा। अगर ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इसके साथ है तो ऑब्वियस बात है कि इसका नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में वीक अट्रैक्शन डेवलप होगी और ये कहलाएगी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये वाटर वॉल फोर्स स्ट्रांग है मगर ओवरऑल वैसे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो बाकी फोर्सेस जैसे जो बॉन्ड बनाने की आयनिक और कोवेलेंट के मुकाबले में बहुत वीक है। सो स्ट्रॉन्गर देन वॉन डेर वाल्स फोर्स
एग्जांपल इस हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी सबसे मशहूर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नाम से आया है। अगर डाइपोल मॉलिक्यूल का एक एटम हाइड्रोजन हो तो फिर इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। दोनों एटम अदर देन हाइड्रोजन है तो सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलकर डाइपोल मॉलिक्यूल बना रहा है, तो अब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एटम के साथ जब इंटरेक्शन करेगा हैवी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन की वजह से इसको हम एक और नाम दे देते हैं और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर लिक्विड में हमारी एक और चीज है और वो है लिक्विड फेस। हम सब नहीं, कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनको जब हम मेल्ट करना शुरू करते हैं तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच कर वो पहले टर्बिड सा लिक्विड बनाते हैं और फिर थोड़ा और गर्म करने पर क्लियर लिक्विड बनाते हैं। टर्बिड लिक्विड का मतलब हुआ ऐसा गाढ़ा सा लिक्विड जो आधा सॉलिड आधा लिक्विड लग रहा है, और थोड़ा सा और गर्म करें तो फिर पूरा लिक्विड बन जाता है। इस टर्बिड लिक्विड को जो क्लियरिंग से पहले बनता है उसको कहते हैं। In some substances, ये situation होती है कि solid heat करने पर turbid liquid बनाता है और फिर machine heat करने पर clear liquid। ये है liquid crystal। इसको इसलिए liquid crystal कहते हैं कि इसमें liquid और सॉलिड दोनों की खूबियां हैं, यानी एक तो ये लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है गाढ़ा सा मटेरियल को, लेकिन इसके अंदर सॉलिड क्रिस्टल की तरह पार्टिकल्स का पार्शियली कुछ ना कुछ ऑर्डर मौजूद है जिसकी वजह से ये क्रिस्टल कहा गया, और ये सॉलिड की तरह कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटीज शो करता है, यानी सॉलिड के अंदर खूबी है कि वो लाइट को डिफ्रैक्ट करती है, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्रैक्ट कर देगा, ये डिफ्रैक्ट करने की खूबी जो है इस लिक्विड क्रिस्टल में। तो हम इसको डिफाइन यू करते हैं कि मैं सॉलिड इज हीटेड, इट कन्वर्ट्स टू ए टर्बिड लिक्विड व्हिच ऑन फर्दर हीटिंग टर्म्स which exists melting and clearing point is called it has ability to flow like crystals or like liquids and possess some order of particles and can diffract light solids. मैंने काफी सारी ऐसी बातें आपको ये जो हीट किया है तो ये टेम्परेचर मेल्टिंग प्रोसेस है जब ये टर्बिड लिक्विड होता है, और जब दोबारा हीट
रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा टेंपरेचर होगी, मीडियम को क्लियरिंग टेंपरेचर रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और क्लियरिंग टेंपरेचर के दरमियान स्टेट में सब्सटेंस एक्सेस करता है वो लिक्विड में। इसकी खास बात क्या होती है कि ये लिक्विड की तरह फ्लो करता है और इससे अभी भी सम डिग्री ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है लाइक सॉलिड, और ये सॉलिड की तरह लाइट को डिफ्रैक्ट करता है। इसमें सॉलिड की तरह ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको? सुना है आपने शायद, तो तू बैठ रहा है यार, हमारा भी टाइम जा रहा है, तो नींद आ रही है, तो सोच रही हूँ देखते हैं। एलसीडी मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ रहा है, तो कैलकुलेटर में नंबर आते हैं, ऐसे सीसी में आ रहे हैं नंबर, धीरे-धीरे दीवार नंबर को आ रहा है, आ रहा है कैलकुलेटर में आप आपको लिखते हैं वैसे आते हैं नंबर। अगर आना है एलसीडी डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वो जो स्क्रीन पे लिक्विड क्रिस्टल और वो ये डिस्प्ले करता है, तो इसका ताल्लुक इंजीनियरिंग वालों से भी है। सो इट इज यूज्ड electronic devices like ventilators or liquid crystal. Chemistry के अंदर एक technique है जिसे कहते हैं chromatography. This is the technique of separation of different mixtures. उसमें ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सम क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स एस सॉल्वेंट RPs, bearings, tumors, Yamaha wala hai, etc. This will be on the mark of the name of devices may be a subject to get the name of the name of the doctor ka wala zamana gaya to wo screen jo dawaiyan mila kar ke karta tha. Ab jo hisab kitab hai wo khas taur par ek jo surgeon, so you have to be very very skillful in certain things. You use something and your knowledge. क्योंकि आप देखते हैं electronic equipments आ गए हैं कि यहाँ पर मेरी नाकिस मालूमात का ताल्लुक है। Almost अब हर जगह operate करने के लिए इस बात को avoid किया जाता है कि आप body को कहीं से खोलें, तो अब वो जो चीरा लगाकर और open surgery की जाती थी उसको avoid करने की कोशिश की जाती है, और बहुत ही ज्यादा सीवियर केसेस या जब यहाँ कोई और इलाज हो उसके अलावा भी काम नहीं करते हैं, और कोशिश होती है कि बगैर काटने के हम बाहर से ही किसी तरीके से उस प्रॉब्लम को दूर करें। तो कैसे करें? तो यू नीड ऑप्टिकल डिवाइसेस। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो डिवाइसेस जो आपको बॉडी के अंदर का विजन दिखाएंगे, तभी तो इलाज होगा। तो आप जो कैमरे यूज करते हैं अनबिलीवेबल तरीके के, आपके बाल से भी ज्यादा बारीक तारे हैं जिनके आगे कैमरा भी लगा होता है। यानी अब आप सोचिए ये रेंज कितनी बड़ी है, नजर तो आती नहीं है। जब ब्लड सैंपल ले जाओ तो उंगली मारते हो जाते हैं देखने के लिए कहाँ है, और वो ये डॉक्टर कह रहा है मैं इस रेंज से कैमरा डालूंगा और चेक करूंगा क्या है, और वहीं पर उसे खत्म करके वापस ले आऊंगा। अगर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी हो उसके अंदर मुझे यही सारी कहानी सुनाएगी। तो जिस तरह से उसने मुझे कहा कि हम ये कैमरा डालेंगे और आपका स्टोन देखेंगे उसको ब्लॉस करेंगे, मैंने कहा टेबल लगा के चाय वाय भी पी लीजिएगा, तो इतनी सारी चीजें विस्तार में है, फिर से मुझे कैमरा दिखाया। तो अंदाजा ये हुआ कि उस डॉक्टर की सपोर्ट के लिए फिजिक्स कितनी ज्यादा जरूरी है। उनको तो वो तो टेक्नीशियन नहीं है ना, उन्हें सिर्फ ये कोर्स कराया जाता है हाउ टू यूज दिस। उन्होंने लिक्विड क्रिस्टल्स से
these are very important things. I have defined here. तो ये छोटा सा नाम अब आपके लिए नया नहीं आ जाए मेरे हिसाब से डेफिनेशन किया कि when a solid is heated at a liquid liquid is form what is this liquid is ये नाम आप उसने इंटरवल कर दिया तभी मेरे को भी लिक्विड यूज करना अब कम से कम सुन लिया है और ये मसला हल होता है इसी तरह आप इस चैप्टर में सॉलिड के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं तो हम नहीं अब क्या था हमारा चैप्टर का डी स्टेट्स ऑफ solid liquid gas aakhan walon ne aapki baat kya kahi thi there is a fourth state that's the state of matter is still aakhan hai lekin wo sab chuke common states nahi hai wo earth pe hain hogi iske hum sirf solid liquid gas kehte hain abhi jo chauthi state hai wo ki ye bhi nahi hai earth pe lekin hum ise earth par ab bahut kamyabi se bana lete hain aur ise bahut zyada jagahon par istemal karte hain iske isko thoda sa humne izzat de di hai baki sari matter ke koi states hain jinhe humne उसका कोई लेना देना नहीं तो प्लाज्मा स्टेट भी क्या है कोई आइडिया इन एवरी स्टेट ऑफ मैटर वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस क्या क्या है पानी पार्टिकल्स क्या है एटम हर एक में मौजूद है चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो वो एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल एंड देन मॉलिक्यूल्स एंगेज देमसेल्व्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टू फॉर्म सॉलिड लिक्विड और गैस द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विल हैव नो एटम फिर क्या है हमने कहा आपको भी पता है और उसको भी पता ही है न्यूक्लियस बीच में होता है और आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन ठीक है फर्स्ट कर लीजिए स्टूडियम का है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में ये एटम है अगर मैं इसे हीट करूं और इतना हीट कर दूं इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल को टच कर जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा ये इलेक्ट्रॉन अलग और बाकी का जो एटम है वो उस बाकी के एटम में चूंकि प्रोटॉन तो 11 ही है मगर इलेक्ट्रॉन रह गए हैं 10 तो आप कहते हैं ये बन गया सोडियम का कैटायन और ये बन गया फ्री है मैटर की वो स्टेट जिसमें आप मैटर को इतना हीट करें कि कम से कम उसके लास्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो जाए पीछे रह जाए उसका कैटायन तो वो मैटर जिसमें कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं वो कहलाता है प्लाज्मा बुनियादी तौर पर प्लाज्मा की स्टेट इज अ कलेक्टिव स्टेट ऑफ मैटर वेयर वी हैव चार्ज्ड पार्टिकल्स आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर एटम नहीं रहता एटम डिस्टर्ब होता अब प्लाज्मा के डिफरेंट स्टेजेस है ये वाला प्लाज्मा जिसमें कैटायन और इलेक्ट्रॉन है ये कॉमन प्लाज्मा एक है थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा उसमें आप मैटर को इतना गर्म कर देते हैं ये वाला हो गया कॉमन प्लाज्मा अब आपने और गर्म किया और क्या स्टेट आ गई न्यूक्लियस अलग हो गया और सारे 11 के 11 इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ गए अलग सो यू हैव ओनली न्यूक्लियस एंड थ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑर्बिट सब खत्म तो फिर ये है थर्मोन्यूक्लियर हम नहीं कर सकते ज़्यादा गर्म ये वो प्लाज्मा है जिससे हम बहुत सारी फिजिक्स या हाई एनर्जी फिजिक्स या हाई प्लाज्मा फिजिक्स बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में ये वाली
बहुत ही मुश्किलों से थोड़ी बहुत हम जमीन पर बना पाए, ये भी हमारे हाथ में नहीं। जो अब बताने जा रहे हैं वो है कि कहाँ है ये स्टार्स। हमने इसे डिटेक्ट किया है कि वहाँ मेटल स्टेशन होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर लाखों डिग्री सेंटीग्रेड है, व्हिच इज इवेंचुअली नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अप हियर इन द अर्थ। इसमें क्या है कि ये न्यूक्लियस है ना, कौन होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो भी अलग है। तो अब आप इतना ही कर गए कि इलेक्ट्रॉन अलग, प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन अलग, तो फिर ये वाला कहलाता है न्यूक्लियर मास। ये एक्सिस्टेंस ऑफ स्टार्स। अब इसको आप मुख्य हमने चैप्टर टू की सब चीजें देखी, वो सब चीजें जो ऑब्वियसली हमने पहले कभी नहीं देखी, और ये बात भी एक फैक्ट है जब आप किसी नई चीज की तैयारी करते हैं तो मेंटली अलर्टनेस बहुत जरूरी है। The fact is that over the period of time, whenever we ask students about the paper,
उन्होंने हमें यही बोल दिया है कि बहुत सारे टॉपिक्स जो डिफरेंट थे एमडीएस ये वाले इनसे बहुत ओकेजनली एक आधा है उनको इस बात को अवॉइड करते हैं और उसी हिस्से पे फोकस करते हैं जो सबका कॉमन है। तो उसमें जो पहला वाला टॉपिक था ना परसेंटेज यील्ड वाला वो तो बहुत ही डेफिनेट है, उसकी वजह ये कि उनका पीएमसी के सिलेबस में भी आ गया तो उसको तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें हम एक तरह से बना रहे हैं क्योंकि ये फेडरल में भी है यहाँ भी है तो आ सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रैक्टिकली जो पेपर हम तक पहुंचे बड़ी मुश्किल से दो चार पेपर मिल जाते हैं आराम के भी, उसमें वो लोग अवॉइड करते हैं ऐसे सवाल से, वो कोशिश करते हैं कि रहे उन्हीं टॉपिक्स में लेकिन उन्हें पूछे ठीक ठाक। तो सेट मैंने एक दफा कहा भी था कि केमिस्ट्री की किताब सेट क्या आती है, सेट एग्जामिनेशन सिस्टम है जो मुख्तलिफ इंटरनेशनली कॉलेजेस में एडमिशन के लिए लिया जाता है, बच्चे इंटर के बाद सेट लेकर अगर बाहर पढ़ना चाहें तो सेट स्कोर की बिना पर अप्लाई करते हैं, मार्क्स इतनी चलती है हमारी सेट स्कोर के बाद। तो सेट की बुक आती है सी सेट केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट की अलग होती है, तो केमिस्ट्री के लिए आती है क्योंकि इन्होंने सेट को बहुत ज़्यादा फॉलो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सिर्फ से पढ़ते ही नहीं है और अभी भी नहीं पढ़नी and it is even not required for it. तो जब तक proper guidelines ना हो कि हम कोई बता दे हाँ ये topic syllabus में नहीं सीखो उस वक्त नहीं पढ़ते, तो हमारे बच्चे ऐसे बेवकूफ़ हैं कि चीज़ सामने भी नजर आ रही होती है ना तो उनको ये अपन ज्ञान की हमने नहीं पढ़ा। कल एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, जो सवाल कि locus test is done for the detection of which animal ऑप्शन ये थे प्राइमरी सेकेंडरी। सर इसका क्या जवाब है, जिंदगी में कभी मैंने ये नाम विलास नहीं लिया, ये जो आप किताबें खोल खोल के कभी आपने किताब ये आपके सिलेबस में ही लोकस टेस्ट हम बीएससी में पढ़ते हैं डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल पत्ती में ये डियर सिलेबस के लिए तस्वीर नहीं थी, कुछ भी इतनी अकल नहीं है। एक होता है ना टर्म कोई ऐसी यूज ही नहीं हो रही तो हमें नहीं पता चलता, लोकस टेस्ट एक नाम यूज हो रहा है और नहीं पढ़ा कभी हमने जिंदगी में नाम नहीं लिया उसका, तो हम कभी टेंशन ले रहे इतनी अकल चलो अब क्योंकि ये अकल नहीं है। इसलिए अगर मैं आपसे कहूंगा आप लेवल के पेपर तो आपको सब करने पड़ेंगे और मुझे लग जाएगी पेपर जब पता लगेगा कुछ भी नहीं होगा, अभी तो ओ लेवल का भी अगर किसी ने अभी तक भी लग रहा किया किया होगा तो आपको परेशान हो चुका होगा, ओ लेवल का भी कोई पेपर आप उठा कर देखेंगे आपको अंदाज होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे वो नाइनटेड है मैट्रिक पेपर है। द रीजन इज नॉट दैट कि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा था, रीजन इज दैट यू आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट पैटर्न, कि इंटरप्रिटेशन स्किल वाले पैटर्न के आप यूज्ड टू नहीं इसको यूज्ड टू हो गए। अब हम क्या करना चाहते हैं थर्ड चैप्टर में कोई ऐसी चीज नहीं है, थर्ड चैप्टर हमारा बड़ा रिच चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, हम ज्यादा पढ़ाते हैं हर एक बाकी हमसे पढ़ता है इसलिए वहाँ तो हमारा हालात का तो उनमें से जिन्होंने भी शुरू की क्लास नहीं है मैंने सबसे पहले वही चैप्टर पढ़ाया था अपनी नॉर्मल क्लास को उसकी उसमें तो भी फिलहाल पोटेंशियल ये फोर्थ में। अब फोर्थ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एक चीज पढ़ते हैं शेप्स और मॉलिक्यूल के अंदर दो थ्योरीज पढ़ा करते थे वैलेंस मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो MOT है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो हम पढ़ने से डेफिनेशन किया है, इन्होंने उसे भी अप्लाई किया है ऑन सम तो हमें MOT को फिटेड करने का ठीक है, तो हम वहां से बात शुरू करते हैं। कौन सा टेस्ट
जो आपका असल में आगा खान में होना है स्टिल नॉट अनाउंस्ड। उसकी वजह ये कि अभी तक सब लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबल जो नजर आ रहा है कि जो पीएमसी का भी पेपर है उन्होंने जो पूरा आपको बताया है दैट इज व्हाट दे थिंक एट द मोमेंट कि हम 30 अगस्त से ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ के देंगे, ऑनलाइन का मतलब है जाएंगे उनकी डेस्टिनेशन पर और कंप्यूटर बैठे देंगे, ठीक है ना। तो आखान वाले भी अभी तक किसी पर है बट उन्होंने अभी तक अपना पूरा कंफर्मेशन नहीं दिया कि हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि वो लोग भी यही देख रहे हैं कि इफ थिंग्स गोना बेटर दे कैन स्विच टू द कहना चाहिए कि ऑन कैंपस और अगर नहीं तो फिर वो ये लेना अब उन्होंने है, अब कोई भी डेट आगे करने के मूड में नहीं है, अंदर की बात ये अल्लाह ना करे वो कल दोबारा आ गए वो हमारे उन्होंने कहा कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा सही हो गया हजार को कैस सब के साथ में कहती है अब चौथी भी आने वाली है तैयार हो गए क्या मेरी दुकान ही बंद हो रही है। तो अल्लाह ना करे अब ऐसे कोई हालात हो जाएंगे तो फिर और बात है वरना इस वक्त सबने इसीलिए सेफ साइड पर रहते हुए ये काम किया है कि अब अल्लाह ना करे अगर रहती भी है वेव तो हम तो हर बच्चे को थोड़े थोड़े ग्रुप्स में बुलाएंगे और अलग अलग जगहों पर बिठा के उनसे ऑनलाइन पेपर ले लेंगे, अपनी सुपरविजन में लेंगे तो नकल का चांस ही नहीं है, घर बैठे तो नहीं दे रहे और उसके चक्कर में पेपर प्रोलॉन्ग हो गया तकरीबन 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट एक ही दूसरे पेपर में बैठते हैं दोनों जवाब ये दिया गया कि ऑनलाइन में नकल हो जाती है तो बिल्कुल हो जाती है लेकिन उस सूरत में नकल हो सकती है जब हम ले रहे थे टेस्ट आपसे आप घर बैठे हुए हैं कोई आपको देखने वाला नहीं है आपने देख कर पेपर दिया और ईमेल कर दिया या व्हाट्सएप कर दिया बट जो वो लोग ऑनलाइन का मतलब ले रहे हैं उसमें तो ज़्यादा मुसीबत है। इफ़ यू आर सिटिंग अलोन इन द रूम विद द कंप्यूटर यू कैन डू नथिंग जबकि अगर आप एक हॉल में बैठे हुए हैं और आसपास कई बच्चे बैठे हुए हैं तो आंखों के इशारों से भी एबीसीडी का पता चल जाना है ना। तो वो तो बहुत बचपन में सुना करते थे ऐसे तो ए है ये तो बी है ये सी है और ये तो डी है ये बहुत सारे इशारे बने हैं तो वो तो वो तो नहीं चल सकता तो इस लिहाज से तो ऑनलाइन हमारे लिए ज्यादा टफ हिसाब बन जाएगा। तो ये सब चीजें कहीं समझदारी से इंपॉर्टेंट है इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि आई शुड बी वेरी वेरी स्किल जो चीज बच्चे नहीं रियलाइज करते वो ये है कि व्हाई दे आर सेइंग कि हम इम्तिहान लेंगे इन लोगों को शौक है आप लोग को बंद करने का व्हाई दे आर टेकिंग एग्जाम बिफोर गिविंग यू द एडमिशन ये इसलिए हो रहा है कि वो जो लोग बेचारे यूनिवर्सिटी में बैठे हुए आपको पढ़ाने के लिए बेताब है ना उनको ये है कि जब ये बच्चा ये स्टफ हमारे पास आएगा हम उसे ये सब कुछ पढ़ाएंगे तो इन्हें पहले से ही कुछ आना चाहिए वरना इनकी तो समझ में हमारी बातें नहीं आएंगी। लेकिन साइंस ये है मैंने जो कुछ आज बताया वो पहले कभी नहीं सुना रहा आपने अब अगर हमारा प्रीवियस बैकग्राउंड कुछ भी तो वो आपको देखिए क्या बोल रहा है तो वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये बच्चे पहले से इतने तो हों जैसे हम इंटर में बच्चा आगे तो हम कहते हैं यार कम अज कम उसे ही ये बेसिक चीजें तो आनी कि हम जब ये पढ़ाए तो ये तो ना कैसे कि आपने कॉमन कैसे ले लिया तो नहीं चलेगा ना फिर तो ये इसलिए हो रहा है। तो अब अगर हम उसमें कोई दो नंबर ही करके यूनिवर्सिटी में बैठ भी गए तो जिंदगी आजाद हो जाएगी जो बड़े मजे से बच्चों की तो फिर आ गया हमारे पास सोशल मीडिया पर भी लेते हैं ये जो है प्रेशर पढ़ाई का हमें दे दिया तो सुसाइड कर ली उसने और ये कर ली मैं कहता हूँ बच्चों को एग्जाम देने की जरूरत है जो इतना सा प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते जिंदगी में क्या करेंगे पता चल जाए ना हम किस प्रेशर से गुजरते हैं तो फिर हम तो 70 दफा रोजाना कुछ करे ये भाई जितनी ईजी नहीं है यहाँ खड़े हुए ये तो आपको लगता है कि चलो पढ़ने के बाद भी तो मुझे लगे तो ध्यान नहीं देना आप जनक में उसमें प्रेशर हमें इतना दे दिया अबे वो प्रेशर इम्तिहान कैसे दे दिया तुम लोगों ने जिंदगी भर कुछ नहीं किया जब कुछ नहीं किया इम्तिहान सर पे आ जाते हैं और अब आता है कि अब फेल हो गए तो घर वालों को नहीं छोड़ने वाले थे उन्होंने हमको हजारों लाखों रुपए लगा दिए तो फिर हम गिव अप कर देते। अगर ऐसा ही प्रेशर होता लम्स के ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है ये अगर ऐसा ही प्रेशर होता लम्स वाले हर साल हजारों लोग निकालते लाशें निकलती ना फिर ये दो चार दिन होता है इसलिए दो चार दिन होते हैं जो गलत तरीके से दाखिला ले लेते हैं
काम उनसे होता नहीं है। जब वो देखते हैं हर आदमी पढ़ रहा है मैं पीछे रह गया, तो इंसानी फितरत है, वो डिप्रेस होता ही है। ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी क्यों? वहां हर चीज का ऑप्शन मौजूद है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, पैसे लेती है। यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड में नहीं कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड की बात करिए तो मैं हूँ कराची यूनिवर्सिटी से नंबर वन यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ भाई, उसके खिलाफ बात नहीं। वो मोस्ट की यूनिवर्सिटी है। तो जब आप फेल होते हैं तो वो आपसे कहते हैं ओके अब आपको अगले साल दोबारा देना पड़ेगा, पैसे तो नहीं बनते ना, टेंशन फ्री होंगे। नम्स वाले अगर आपको फेल करते हैं तो आपको बताते हैं अगले साल इतने लाख रुपए फेल होते हैं। ये सारा इशू ये होगा, बच्चे को ये ख्याल आता है ना कि मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ वहाँ के लोग 8-8 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं मुझे यहाँ पढ़ने के लिए, और अगर मेरा कोई पेपर रुक गया और मुझे एक साल और पढ़ना पड़ा तो क्या हुआ? जब तक अंदर घर की बात घर में रहती है, यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी में रहती है, तो घर वालों को नहीं पता चलता। उनको ये बताएंगे अभी एक साल और सेमेस्टर भरना है तब उनको पता लगता है क्या कर रहा था बच्चा क्लास में। ये जो प्रेशर डेवलप होता है इसलिए यहीं से खानी शुरू होती है, आप पढ़ते नहीं है बस। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट की एग्जांपल्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसे इंटर के लेते हैं, जैसे आपने पढ़ाया रिवाइज कीजिएगा ताकि आप इफेक्टिवली वो सारी एग्जांपल डिस्कस कर सकें। जो यहाँ प्लस थोड़ा सा रेजोनेंस का टॉपिक है जो हम सेकेंड ईयर की बेंजीन में पढ़ते हैं, पहली दफा रेजोनेंस होते हैं। टेक्निकली वो रेजोनेंस बॉन्डिंग में होता है, हमारी बॉन्डिंग में होता है, इनके बॉन्डिंग और डीएसपी टू, ये सब चीजें करेंगे चैप्टर नंबर 4 की नेक्स्ट क्लास होगी। और चूंकि अब आप कैंपस में आना शुरू हो गए तो मैं नेक्स्ट टाइम कोई एक सैंपल पेपर भी लाऊंगा ताकि कुछ क्वेश्चंस भी करने की हमें खुद का भी एक्सपोजर होने का।